बंगाल चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग से बीजेपी नेता मिलने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में दरअसल जिस तरह से हिंसा हो रही है, लगातार हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, उसे लेकर बीजेपी शिकायत करने वाली है। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए, भूपेंद्र यादव की तरफ से ये बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। बंगाल में चुनाव जिस तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, टीएमसी वहाँ पर घबरा गई है और आज चुनाव आयोग को हम लोग पुनः ज्ञापन देने जाएंगे कि बंगाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरे को ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कल भी नंदीग्राम में हिंसा की गई, टीएमसी के द्वारा हिंसा की गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनाया गया। हिंसा के मुकाबले जब बंगाल की जनता विजय प्राप्त करेगी, लोकतंत्र की विजय बंगाल में होगी और टीएमसी निश्चित रूप से हारेगी।